अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ, आपने देखा होगा कि मेरी जो है ना आँख जो है ये इसमें कोई कचरा पड़ गया था, जिसकी वजह से कल तकरीबन दो दिन बड़ी तकलीफ़ में रहा हूँ और दो दिन लगातार चश्मा पहन के मैं थक गया था, इसलिए मैंने चश्मा उतार दिया। तो कल डॉक्टर के पास गया, फिर उसने निकाला आँख में से जो भी कचरा था। तो फिर यह है कि अब बेहतर फील कर रहा हूँ कि आज एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए कि कोरियन मेडिकल किस तरह का होता है, डॉक्टर्स किस तरह के होते हैं, यहाँ का अमला किस तरह का होता है, हॉस्पिटल किस तरह के होते हैं, और आज सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को नेगेटिव किसी को नहीं बता रहा, ना ही को डिग्रेड कर रहा हूँ किसी को। अच्छा चले, अभी मैं बैठ गया हूँ जी के, ताकि आपको तफसील से तसली से बता सकूँ। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोरिया में नए आने वाले हैं या नए हैं अभी, अगर पुराने भी हैं तो अगर उनको हॉस्पिटल से मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वीडियो आप लाजमी देखें, ये हो सकता है आपके काम आ जाए। कोरिया में मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो बड़े आउट क्लास हैं, बड़े ही साफ़ सुथरे, बड़े ही अच्छा अमला, बड़ा हेल्पफुल अमला, और डॉक्टर्स का रवैया बहुत ही अच्छा, नर्सिस का रवैया बहुत ही अच्छा होता है। बल्कि इनका यहाँ तक कि कोई फॉरनर और कोरियन में कोई तफरीक भी नहीं है। मसलन अगर आपने टोकन ले लिया है अपने डॉक्टर को चेक कराने के लिए, और उससे पहले उसके बाद अगर आपके बॉस है, जो कंपनी का बॉस है, उसके बाद उनका टोकन है, तो पहले आप जाएंगे, उसके बाद आपके बॉस जाएंगे, यहाँ तक है। यानी कि कोई किसी किस्म की भी तफरीक नहीं है किसी किस्म। ऐसे एक्सपीरियंस हैं यहाँ पर कोरिया में कि जिनसे हम जो है ना कोई सेटिस्फाई नहीं है कोरियन मेडिकल से रिलेटेड। जैसे कि मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ स्टोरीज़ के, हमारे के दोस्त होते थे, उनको 2006 में काम करने के दौरान पाँव में चोट लग गई और उनकी पाँव की हड्डी टूट गई 2006 में। अभी 2020 चल रहा है और अभी तक भी उनको पाँव में पेन फील होती है। इसके अलावा इनके पाँव में और भी बड़े मसले मसाइल के सामना करना पड़ा, ये आलम था। और हॉस्पिटल इतना बड़ा था कि देख के बंदा हैरान हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और भी मेरे दोस्त थे, उनको मैदे में प्रॉब्लम थी और वो तकरीबन 2 माह तक हॉस्पिटल में रहे, 2 माह तक, और डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आई कि इनका मसला क्या है। और पाकिस्तान गया है पेशावर किसी अच्छे हॉस्पिटल में, दिखाया उन्होंने, और 2 हफ्ते में वो रिकवर कर गए। यानी कि पता चल गया कि इनके मैदे में प्रॉब्लम है और दो हफ्ते में बेहतरी होना शुरू हो गई थी। इसके बाद मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे एलर्जी थी और मैंने शायद ही कोई हॉस्पिटल ऐसा हो जो मैंने छोड़ा हो, सबको ही दिखाया मैंने। फिर एंड में मैंने जो कोरिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था सैमसंग हॉस्पिटल में, वहाँ पर गया हूँ सोल में, कोई शायद ही कोई ऐसा टेस्ट होगा जो मेरा उन्होंने ना किया हो। और टेस्ट करने के बाद मुझे खुशखबरी सुना देते थे कि आपका ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई उन्होंने मेडिसिन ही दे रहे थे जिससे मुझे कोई तकलीफ बेहतर हो, लेकिन मुझे खुशखबरी सुना दी जाती थी कि ये टेस्ट आपका बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पर ख्वार होने के बाद मैं पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान में तकरीबन दो हफ्ते के बाद जो है वो मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो गया। तो ये आलम था। यानी कि मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये स्पेशली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उन पाकिस्तानियों के लिए, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आपको लगे कि आपकी जो बीमारी है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि खुदा खासा ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही कोरिया में, तो आप पाकिस्तान चले जाएँ। क्योंकि अगर इन्होंने एडमिट कर लिया, एडमिट करने के बाद ये इतना खासा अच्छा खासा बिल बना देंगे, जितना बिल बनेगा ना, अगर वो जितना आपकी रकम खर्च होगी हॉस्पिटल में, वो रकम अगर आप टिकट लें पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अच्छे हॉस्पिटल में, जो टॉप के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल डॉक्टर्स को दिखाएं, तो फिर भी वो उतने पैसे नहीं बनेंगे जितना उन्होंने यहाँ पर बिल बना देना। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी ऐसी बीमारी हो जाए या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो जिसकी समझ ना आ रही हो डॉक्टर्स को, सबसे पहली बात, अगर आपको फील हो जाएगा कि डॉक्टर्स कुछ समझ नहीं आ रही, दूसरा फील हो जाएगा कि डॉक्टर समझ आ गई है लेकिन अब वो ठीक तरह इलाज नहीं कर रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर आप पाकिस्तान चले जाएँ। तो मैं तो एक और भी इसमें बड़ा इशू है जी कि हमें लैंग्वेज का इतना अबूर हासिल नहीं होता पाकिस्तानी को, ख़ास तौर पर जो नए पाकिस्तानी आते हैं तो उनको लैंग्वेज का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से फिर वो अपनी बीमारी सही तरह बता ही नहीं सकते, जिसकी वजह से डॉक्टर को ठीक तरह समझ ही नहीं आती, तो और भी मसले मसाइल होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान चले जाएँ अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई डॉक्टर्स को या फिर आप समझ आ गई है और ठीक तरह इलाज नहीं हो रहा, पाकिस्तान जाएँगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो ये मेरा स्पेशल मैसेज था जी नए आने वाले लड़कों के लिए, या जो नए हैं या जो पुराने हैं लेकिन उनको पता नहीं है। ये मेरे अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का मेडिकल का, ये मेरे सारे दोस्तों के यही सेम ही राय है
कि यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ पाकिस्तान के डॉक्टर्स कोरियन डॉक्टर्स से ज़रा बेहतर है, तो लेकिन बशर्ते कि किसी अच्छे डॉक्टर्स को किसी अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप दिखाएं, दो किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में या किसी नॉर्मल डॉक्टर्स दिखाएंगे तो फिर कोई अच्छे की तवक्को ना रखें पाकिस्तान में भी। तो ये रिक्वेस्ट है कि जब भी जाएँ पाकिस्तान किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएँ, किसी अच्छे डॉक्टर में दिखाएँ। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने सोचा चले आज आपसे शेयर करें कि यहाँ पर मेडिकल और यहाँ का तरीक़ाकार किस तरह होता है मेडिस हॉस्पिटल का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।